दीद्वाना प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। इस भीषण गर्मी के दौर में जलापूर्ति की सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है, जिसको लेकर रोज नए नए मोहल्लों के लोग जलदाय विभाग कार्यालय पहुंच रहे हैं और जलापूर्ति सुचारू रूप से करने की मांग कर रहे हैं। इसी के तहत आज कायमंगा के मोहल्ले वासियों के द्वारा जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर जिला आपूर्ति सुचारू रूप से करने व अन्य मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि गली नं 3, 9, 4 जो कि नगर परिषद दीद्वाना के वार्ड नंबर 11 के में शामिल है, वहां पर पानी खोलने बंद करने हेतु वाल था, जिले अब हटा दिया गया है। वाल हट जाने के कारण पानी का प्रेशर अत्यंत कम हो गया है, इस कारण पानी आगे नहीं जा सकता व सभी घरों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आगे बताया कि पानी की आपूर्ति 96 घटों से होती है, वह भी समान समयानुसार नहीं होने के कारण निजी पानी के टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो अत्यंत महंगे होने के कारण आर्थिक समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पानी की आपूर्ति 48-72 घंटे प्रेशर युक्त की जाए और जो वाल हटा लिया गया था उसे वापस स्थापित किया जाए। ज्ञापन देने वालों में युवा नेता इमरान खान, अनिल चौपदार, साबिर खान व अन्य मोहल्ले वासी मौजूद रहे। आज कायम नगर गली नंबर 3 व 4 के वासिंदे सभी मिलके पानी समस्या को लेकर आज जल विभाग आए हैं। हमारे यहाँ पर कम 6 हफ्ते भर पहले पानी नहीं आता, बड़ा समस्या है। तो इसको देखते हुए सब बोले वासी इधर आए, उन्होंने दिया है और आश्वासन भी दिया कि आने वाले समय में आप भी है वो प्रक्रिया में पूरी करें। कितने समय से समझ लिया? ये 4 साल हो गए। आज कायम नगर गली नंबर 3 व 4 के वासिंदे सभी मिलके पानी समस्या को लेकर आज जल विभाग आए। शहर की सबसे बड़ी पानी की समस्या है और हमारे मोहल्ले की सबसे बड़ी पानी की समस्या है। पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों का आज हमने ज्ञापन सौंपाया और उन्होंने हमें निश्चित किया है कि भाई इस पर हम जल्दी कार्रवाई करेंगे और जो भी समाधान होगा उसका हम जल्दी निवारण करेंगे।